हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का व्लॉग भी इस प्रकार रहेगा कि मैं जा रही हूँ मार्केट, लेकिन मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने। तो मेरी फ्रेंड जो है वो मार्केट आई हुई है, तो उसे कुछ सामान भी लेना है, तो मैंने सोचा क्यों ना उससे मिल भी लेती हूँ जाके। तो मिलवाती हूँ मैं भी आपको अपनी फ्रेंड से। तो बन रहे हैं मेरे इस व्लॉग में एंड तक, तो इंजॉय करें। सामने मुझे मेरे मम्मी दिख रहे हैं, लग तो मुझे मम्मी रहे हैं। अब देखती हूँ पास जाकर, मम्मी है। मूंगफली ले रहे हैं मुझे, मूंगफली। कहाँ को तुझे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है मेरी राधिका, जो कि आई हुई है यहाँ पे आज शॉपिंग करने के लिए। तो फिर हम दोनों ने मिलके की शॉपिंग। पहले हमने बाहर देखे सूट, ये जो विंटर्स में पहनने के लिए, लेकिन हमें कुछ मतलब कि हमने लिए नहीं। फिर हमने सोचा अंदर जाके देखते हैं कुछ अच्छा सा सूट वगैरह। तो फिर हम सभी गए अंदर, बैठे और फिर हमने देखे प्यारे प्यारे सूट। आप भी बने रहे इस पूरे व्लॉग में और इन्जॉय करें मेरे इस व्लॉग को। तो फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तानी सूट, लेकिन जो मैंने वाला लिया था ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। इसकी क्वालिटी थोड़ी लो थी, तो ये सस्ता ही था, लेकिन अब इसका थोड़ा ना अब ट्रेंड चला गया है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई तो सभी सर्दियों वाले सूट ही पहनेंगे। फिर हमने ये वाला जयपुरी सूट देखा। मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए की हुई है कि क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना धमाल मचाई हुई थी, सूट्स देख रहे थे और बहुत ज़्यादा मजाक भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो मैंने सोचा यहाँ पे ना वॉइस ओवर ही करते हैं, बेस्ट रहेगा वॉइस ओवर ही। ये ना सूट के लिए बेस्ट शॉप लगती है मुझे, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये शॉप। यहाँ पे ना आपको हर टाइप के सूट मिल जाएंगे, हाई रेंज में भी मिल जाएंगे, लो रेंज में भी मिल जाएंगे, मिडल में भी मिल जाएंगे। और राधिका को ना कि ये वाला सूट भी पसंद आ रहा था, तो ये वाला सूट देख रही थी। मैंने उसको बोला देख ले, जो तुझे पसंद आ रहा है ना तो अपने पसंद से ले। दो सूट लेने थे राधिका ने, एक राधिका की देवरानी ने भी लेना था। अच्छा है, कलर भी अच्छा है ना, सब भर गया। यही सेम चुननी है, तभी बोली सूट देखे देखे लगता है मुझे। ये भी अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं सो क्या लग रही शिल्पा, काड़ भी लग गया नशा दिखा पे। इधर कपड़ा भी अच्छा है, नहीं यहाँ ब्लैक से सब और भी है कोई सब। अच्छा है, 10 वाला थल्ला भी है शायद, नीचे भी है डी ए आई। हाँ, ये बड़ा प्यारा प्यारा है भी। कॉटन से नहीं आ रहा। एक कितने का ब्लैक वाला? कौन गया? 1050 का। तो यहाँ पे राधिका को ये वाला सूट पसंद आ रहा था, ब्लैक वाला। शायद इसने आगे जाके लिया भी है ये वाला सूट, प्यारा अच्छा लगा इसको। इसका ना स्टफ़ काफ़ी अच्छा था इस वाले सूट का, तो राधिका का इस पर दिल जो था वो अटक चुका था, तो राधिका ने ये साइड पे रखवा लिया था सूट। सबसे बेस्ट टाइम पता क्या था, जब हम यहाँ पे शॉपिंग करने गए थे, कि इतने ज़्यादा मतलब कि कस्टमर नहीं आए थे सूट लेने के लिए। नहीं तो मैक्सिमम टाइम मैं जब भी जाती हूँ ना यहाँ पे रश ही रहता है। और सबसे बड़ी बात कि जो भी हमें सूट वगैरह दिखाते हैं ना, सभी का नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पोलाइटली से हर सूट दिखाएंगे, कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, ये नहीं पसंद आ रहा है, बड़े अच्छे से सूट दिखाते हैं सभी। तो ना मुझे जब भी मैं सूट लेने आती हूँ तो हमेशा यहीं से लेके जाती हूँ, बाकी शॉप्स पर मैं देख के जरूर आ जाऊँगी, लेकिन सूट जब भी लूँगी ना मैं इसी शॉप से लेती हूँ, क्योंकि सभी का नेचर बहुत अच्छा है। अंकल जी का भी काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी टाइम से शॉप को संभाल रहे हैं। तो यहाँ राधिका ने ये वाला सूट भी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने ना 300, 500, 800, 1000 तक के ना काफ़ी ज़्यादा सूट देखे, और काफ़ी अच्छे भी थे सभी सूट। हमने बड़ी ज़्यादा मस्ती की सूट देखते टाइम। ओ दसो भैया, ये सूट है।
तो फ्रेंड्स राधिका ने ये वाला सूट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसे ये वाला कलर पसंद नहीं आया, इसे लगा कि ये बूढ़े वाला कलर है। फिर और भी बहुत ज़्यादा सूट देखे, फिर हमने देखे राधिका की देवरानी के लिए भी सूट देखे, तो अब वो देखते हैं, अब वो भी हम कलेक्शन देखेंगे बहुत सारी। फ्रेंड्स फिर एक सूट ना मैंने अपने लिए भी देख लिया, ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आगे जाके जब गर्मियाँ होंगी समर्स आएंगे तब ये वाला सूट काफ़ी अच्छा लगेगा मतलब, तो मैंने तो फ्रेंड्स फिर हम पहुँचे मोमोज पार्टी के लिए। फिर हम तीनों ने खाए मोमोज जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे फ्रेंड्स, मतलब कि ना मैंने काफ़ी टाइम के, मुझे लगता है कि मैंने 3-4 महीने के बाद ही खाए होंगे मोमोज। मैंने मतलब कि फ्राइड मोमोज खाए, मुझे फ्राइड मोमोज ही अच्छे लगते हैं। फिर हमने इंजॉय किया मोमोज और हमने बहुत ज़्यादा मतलब बातें भी की साथ में और इंजॉय भी किया। हमें इतने ज़्यादा पसंद आए ना कि हमने बाद में ना थोड़ी देर बाद एक प्लेट और मंगवाई थी फुल प्लेट। फिर हमने सभी ने मिलके खाए मोमोज, बातें की, इंजॉय किया क्योंकि फिर राधिका ने वापस भी चले जाना था, तो यही टाइम था हमारे पास एक दूसरे का स्पेंड करने का क्योंकि इस बार ना राधिका काफ़ी कम टाइम के लिए आई थी घर पे, फिर वापस भी जाना था, तो हम इतने शॉर्ट टाइम पे ही मिल पाए दोनों एक दूसरे के साथ। तो अब यहाँ हम इंजॉय करते हुए और मोमोज खाते हुए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मोमोज खाने का और बातें करने का। छुट्टी हुई स्कूल। मोमोज खाने के बाद हमने क्यूट से बेबी के लिए लिए शूज, मतलब कि राधिका की देवरानी का जो बेबी है उन्होंने उसके लिए लेने थे शूज, तो यहाँ पे फिर हम गए शॉप में शूज लेने के लिए। बस फ्रेंड्स अब राधिका के जाने का टाइम हो चुका है वापस, बस इतना ही टाइम था हमारे पास, तो हमने इतने ही टाइम में काफ़ी इंजॉय किया, शॉपिंग भी की, मोमोज भी खाए, इंजॉय भी किया। तो बस अब राधिका जाने वाली है और यहाँ पे राधिका की बस भी आ चुकी है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा और यहाँ पर राधिका बस में बैठ चुकी है, तो आई होप आपको हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय एंड राधिका और राधिका की देवरानी जी को बाय बाय।